ओके गाइस, सो टुडेज टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। टॉपिक है हमारा डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स दो चीजों से बना है, एक है मैनेजेरियल, दूसरा है इकोनॉमिक्स। तो मैनेजेरियल तो आप समझ रहे हो कि मैनेजमेंट लेवल पे जो भी सारी चीजें होती हैं, जो भी डिसीजन आप लेते हो, ऐसे डिसीजन जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जैसे कि किस प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगाने हैं, कहाँ से कितना आउटकम आ रहा है, जो आपका फंड एलोकेशन होगा वो किस तरीके से होगा, ये चीजें जो है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होती हैं। तो ऐसा मैनेजेरियल डिसीजन जो कि इकोनॉमिक्स उसमें इन्वॉल्व हो, उसको मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स बोलेंगे। इन जनरल मैं अगर ये सिर्फ बता रहा हूँ, इसका डेफिनेशन डेफिनेट अलग है, थोड़ा और अच्छे तरीके से है, बट मैं इन जनरल जस्ट उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे मैनेजेरियल डिसीजंस जहाँ पे आप इकोनॉमिक थ्योरी, यू नो, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हो डिसीजंस को लेने के लिए, उसको हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोलेंगे। जस्ट एज अ जनरल व्यू, नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन व्हिच इज जस्ट राइट हियर। सो लेट्स सी, लेट्स रीड इट। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट अप्लाइज इकोनॉमिक थ्योरी, प्रिंसिपल्स एंड मैथडोलॉजीज टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाई मैनेजर्स इन मेकिंग बिजनेस डिसीजंस, है ना। तो मैनेजर्स को बिजनेस के डिसीजंस लेने में, जब वो लोग कोई प्रॉब्लम को, यू नो, प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए जब वो लोग, यू नो, इकोनॉमिक थ्योरी, उसके प्रिंसिपल्स, उसके मेथोडोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बन जाता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का वो एक पार्ट हो जाता है कि आपको अगर मैनेजमेंट के लेवल पे डिसीजन लेने हैं, तो आपको इकोनॉमिक्स के इन सारी चीजों को के ऊपर भी ध्यान आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इट कंबाइंस इकोनॉमिक थ्योरी विथ बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड फोकसेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड एनालिसिस टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड ऑप्टिमाइज बिजनेस आउटकम। देखो, वही बात बोली गई है, इट कंबाइंस इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिसेस। बिजनेस प्रैक्टिसेस में यही है कि आपको डिसीजन लेना है क्या कब होगा, कैसे होगा, कहाँ पे कितना फंड जाएगा, वगैरह वगैरह। ये जो आपका बिजनेस डिसीजन है, इसमें जब आप इकोनॉमिक थ्योरीज को घुसाते हैं, इकोनॉमिक थ्योरीज का यूज करते हैं, तो ये हमारा जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स, आई मीन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहलाएगा। एंड इसका काम क्या होता है, फोकसेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। जो आप डिसीजन लेने वाले हैं, उसमें आप इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स का यूज कर रहे हैं। जैसे आपने जो इकोनॉमिक्स का जो आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन में यही है कि जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं, वो आपका ऐसा डिसीजन होना चाहिए जिससे कि आपका जो आउटकम है वो सबसे ज्यादा बेहतर निकले। इकोनॉमिक्स में यही होता है कि आप जो डिसीजन लेते हैं, आप बेस्ट डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं ताकि आपका जो आउटकम है, जो यूटिलिटी है, वो ठीक तरीके से हो पाए, ठीक है ना। जैसे कि मैं अगर बहुत ही जनरल व्यू में जाऊं, तो कहा जाता है कि आपके पास अगर 100 रुपए हैं, तो आप उन 100 रुपए को कहाँ कहाँ खर्च कीजिएगा, आपकी जो प्रायोरिटीज हैं आप उनके ऊपर खर्च कीजिएगा। सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो आपका खाना है, रोटी है, फिर कपड़ा है, फिर मकान है, राइट। इसके बाद अगर कुछ पैसे बचेंगे, तो जाकर के आप उसको एंटरटेनमेंट में या डिफरेंट जगहों पे खर्च करेंगे। तो आपको उन 100 रुपयों को कुछ इस तरीके से एलोकेट करना होगा इन सारे खर्चों में, जिससे आपको जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। यही है इकोनॉमिक्स, सिंपल सा अगर इसको समझने की कोशिश करें तो। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल जो है बिजनेस में होता है कि आपको अपने फंड को किस तरीके से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में एलोकेट करना है ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल पाए, जो आपका बिजनेस का ग्रोथ है वो ठीक तरीके से हो पाए। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का यूज हो रहा है, ठीक है ना। इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड एनालिसिस टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड ऑप्टिमाइज बिजनेस आउटकम, है ना। वही बात है कि आप अपने डिसीजन मेकिंग को कितना अच्छे तरीके से कर पा रहे हो, और जो आपका बिजनेस का आउटकम है, आप उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हो। ये जो मैं यहाँ पे सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा था, उसका मतलब ही ऑप्टिमाइजेशन, अच्छे तरीके से आप ऑप्टिमाइज कर पा रहे हो अपने रिसोर्सेस को, ठीक है ना। सो इसीलिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक तरीके से ये है इसका डेफिनेशन। नाउ आगे चलते हैं। द नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज इंटरडिसिप्लिनरी, ड्रॉइंग फ्रॉम वेरियस फील्ड सच एज इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। तो जो नेचर है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, उसमें वो इंटरडिसिप्लिनरी है। डिसिप्लिन मतलब कोई एक चीज हो गया, ठीक है ना, कोई एक सब्जेक्ट हो गया या कोई एक टॉपिक हो गया, लेकिन जब इंटरडिसिप्लिनरी होता है, जी, आप कुछ कह रहे हैं? हेलो, ओके, ठीक है, ठीक है, करते हैं फिर। सो इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स जो है जुड़े हुए होते हैं। मतलब आप जो काम करते हैं वो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी काम से रिलेटेड है। जैसे कि मैं अगर कोई भी काम कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स ही घुसा हुआ है, उसमें मैथ्स भी है,
उसमें जीके भी है, उसमें हिस्ट्री भी है, उसमें ज्योग्राफी भी है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स मतलब थोड़े बहुत जो है उसका अंश होता है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट है, एक अप्रोच है जहाँ पे इकोनॉमिक्स का भी यूज होता है, बिजनेस मैनेजमेंट का भी यूज होता है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का भी यूज होता है, और स्टैटिस्टिक्स का तो यूज होता ही है। इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा तो फिर तो वो काम ही नहीं हो पाए। कैलकुलेशन जितना भी इकोनॉमिक्स का होता है वो सारा का सारा स्टैट्स के ऊपर ही होता है। ठीक है, तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, एक इंटरडिसिप्लिनरी एक टॉपिक है कह सकते हैं। नाउ इट प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद अ फ्रेमवर्क टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस एंड हेल्प्स देम टू एंड हेल्प्स देम इन फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। है ना, उसी बात को बोला गया है कि एक तरीके से मैनेजर्स को एक तरह का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके जरिए वो बेस्ट डिसीजन ले पाते हैं, जो डिसीजन उनको लेना चाहिए उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो डिसीजन वो लोग ले पाते हैं इस इकोनॉमिक्स के हेल्प के मदद से। और जब वो लोग सही डिसीजन लेते हैं तो जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, उसको वो लोग सही टाइम पे अचीव कर पाते हैं। द स्कोप ऑफ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स इज ब्रॉड एंड एनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स एंड एरियाज। सम ऑफ द की एरियाज कवर्ड बाय मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स इंक्लूड। है ना, तो जो स्कोप है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का वो बहुत बड़ा है। मैंने ऑलरेडी बताया कि इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक है, इसमें इकोनॉमिक्स भी है, बिजनेस मैनेजमेंट भी है, फाइनेंस भी है, अकाउंटिंग भी है, वगैरह वगैरह। तो इसका जो स्कोप है ना वो बहुत बड़ा है, राइट? तो ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जो कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में कवर होते हैं, उसको हम एक एक करके यहाँ पे करेंगे। अभी हम लोगों ने नेचर पढ़ा, सॉरी मैं नेचर कह रहा था, नेचर हम लोगों ने किया, अब हम करेंगे इसका स्कोप, इसका स्कोप कितना बड़ा है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। नाउ तो इसके जरिए देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके जरिए हम लोग डिमांड एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग कर सकते हैं। आपका डिमांड को एनालाइज करना कि किस टाइम पे कितना डिमांड हो रहा है, अगर किसी एक सीजन में डिमांड ज्यादा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसको एनालाइज करने का काम जो है, फॉरकास्टिंग करने का काम। अब जिस तरीके से इस साल का डिमांड है, आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर वो डिमांड जो है 10% बढ़ेगा, लेकिन जिस सीजन में वो डिमांड बढ़ा था या जिस टाइम पे वो डिमांड बढ़ा था वो तकरीबन सेम ही होगा। तो आप उसके जरिए आप फॉरकास्टिंग कर सकते हैं कि इन फ्यूचर जो है, आपने सपोज कोई प्रोडक्ट अगर उसकी 200 क्वांटिटी बेची है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर उसकी 220 क्वांटिटी बिकेगी या फिर 250 क्वांटिटी बिकेगी, क्योंकि बिजनेस में ग्रोथ आता है। ठीक है ना, तो डिमांड को एनालाइज करना, उसको उसकी फॉरकास्टिंग जो है आप इस चीज के जरिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के थ्रू आप कर सकते हैं। वही बात बोली गई है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एनालाइजिंग कस्टमर डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। है ना, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, आप कंज्यूमर बिहेवियर को समझ सकते हैं और साथ ही साथ आप फॉरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर डिमांड पैटर्न्स को कि फ्यूचर में किस तरीके से जो है आपका डिमांड होगा। आपने कई बार देखा होगा कि पूजा के टाइम पे कपड़ों का डिमांड बहुत ज्यादा होता है, दिवाली के टाइम पे कपड़ों का डिमांड बहुत ज्यादा होता है, तो वो एक नेचुरल सी चीज है कि लोग नए कपड़े पहनते हैं। तो आपको पता है कि इस टाइम पे जो है आपका डिमांड ज्यादा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा कपड़े आप रेडी करेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। तो ये चीजें तभी पॉसिबल है जब आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मतलब ये डिमांड एनालिसिस आप करेंगे, और ये डिमांड एनालिसिस करने का मतलब ही है कि आप अपने मैनेजरियल वर्क में आप इकोनॉमिक्स को ला रहे हैं, क्योंकि डिमांड एंड लॉ, डिमांड एंड सप्लाई हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, तो इंटरडिसिप्लिनरी है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल फॉर प्राइसिंग डिसीजन। अब ये इंफॉर्मेशन किस किस लिए जरूरी है, आप इसके हेल्प से प्राइसिंग डिसीजन आप ठीक तरीके से कर सकते हैं, प्रोडक्शन की प्लानिंग कर सकते हैं। जैसा मैं बता रहा था कि आपको पता है कि इस टाइम पे जो डिमांड है वो पीक पे होता है, तो आपको अपने प्रोडक्ट्स को उस हिसाब से रेडी भी करना होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको रेडी करने होंगे। है ना, तो जो जो प्रोडक्शन की प्लानिंग है वो आप ठीक तरीके से कर सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आप ठीक तरीके से कर सकते हैं। है ना, अब जैसे कपड़ों की अगर मैं बात करूं तो लोग कपड़े पहनते हैं फेस्टिवल्स के टाइम पे, तो आपको मार्केटिंग अगर आप नॉन फेस्टिवल टाइम पे करेंगे, उसके ऐसे सीजन में करेंगे जब उस चीज का डिमांड नहीं है, तो लोग उस मार्केटिंग के ऊपर ध्यान भी नहीं देंगे, क्योंकि लोग उस टाइम पे उस चीज के बारे में ना ही सर्च करते हैं, ना ही देखते हैं, ना ही पूछते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन जैसे ही पूजा का टाइम आएगा, आप अगर एक महीने पहले से अगर आप मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, तो लोग उस टाइम पे सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे किस तरह का कपड़ा जो है इस बार लेना है ना, ऑनलाइन चीजों को सर्च करने लगते हैं, तो उनको उनको जो है एड वगैरह दिखने लगता है। तो जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो भी एक तरीके से इन्फ्लुएंस होती है, वो भी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। तो डेफिनेटली कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस भी इसमें किया जा सकता है। हमने कॉस्ट ऑफ फंक्शन हम लोगों ने किया हुआ था इकोनॉमिक्स में, तो कॉस्टिंग जो है प्रोडक्ट का कितना रखना है, किस तरीके से उसके ऊपर खर्च होता है, लैंड लेबर जो भी आपका जो इनपुट है,
वो आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कितना हुआ, कितना करना है हमें इन फ्यूचर में, हमें कितना किस लेवल को अचीव करना होगा, ये एनालिसिस आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, नाउ इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन के कॉस्ट को एनालाइज करना। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे खर्च कर रहे होते हैं जिसको करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम उस खर्च को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता कैसे चलेगा? आप जब तक उसको एनालाइज नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। सो विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स यू कैन एनालाइज दोज थिंग्स। ठीक है ना, तो प्रोडक्शन कॉस्ट को आप एनालाइज कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल, है ना, कितना प्रोडक्शन जो है आपका मशीन एक दिन में कर पाएगा और क्या आपको उतनी जरूरत है, ज्यादा ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम लेवल। हाँ किशन क्या कह रहे हैं? से ज्यादा हाँ ज्यादा से ज्यादा कितना प्रोडक्शन कर यस यस मैक्सिमम लेवल है। तो सकता ये चीजें आप कर सकते हैं। स्टडिंग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आपने सुना होगा कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि एग्जाम में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन कई बार आता है, बट आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में क्या होता है कि जब आप, जी कहिए, नहीं सर, नो प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में क्या होता है, इसमें कहा जाता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं तो कई बार आपके पास क्या होता है कि रॉ मटेरियल जो है आपके पास बच जाता है। तो सपोज आपने एक प्रोडक्ट को बनाया तो जो रॉ मटेरियल बचा आपका यूज दूसरे प्रोडक्ट में नहीं हो पाया, है ना। लेकिन सपोज आपके पास अगर बल्क में ऑर्डर है, बहुत बड़ा आपके पास ऑर्डर है, तो जो जो रॉ मटेरियल आपको पहले प्रोडक्ट में, दूसरे प्रोडक्ट में, तीसरे प्रोडक्ट में बचेगा, हो सकता है कि वो जो 3 प्रोडक्ट बनाने के बाद जो आपके पास जो मटेरियल बचा है उससे आप एक नया प्रोडक्ट बना लें, तो 3 प्रोडक्ट के खर्चे में आपने 4 प्रोडक्ट बना लिए क्योंकि कुछ ना कुछ जो है बच जा रहा था। लेकिन जब आप एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपका जो रॉ मटेरियल है जो बचा है वो बचा का बचा रह जाएगा। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब यही है कि जितना आपका स्केल बड़ा होगा उतना आपका जो खर्च है वो मिनिमाइज होने लगता है, आप कम खर्च में ज्यादा काम करने लगते हैं, ज्यादा आपका जो है यूटिलाइजेशन हो पाता है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब यही है। ठीक है ना, तो वो एक बेनिफिट जो है हमें देखने को मिलता है इस चीज में जब हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं। मेकिंग डिसीजंस रिलेटेड टू रिसोर्स एलोकेशन, जो भी रिसोर्सेज हैं आपके पास, फंड हो, लेबर हो या कुछ भी हो, उसका एलोकेशन आप ठीक तरीके से कर पाते हैं। एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी, इसको तो हम लोग डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, कई बार बोल चुका हूँ। दिस हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड मिनिमाइजिंग कॉस्ट, है ना। तो जब हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल का इस्तेमाल करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, डिसीजन लेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा, क्योंकि 3 प्रोडक्ट खर्च में आपने 4 प्रोडक्ट बना लिए तो 1 प्रोडक्ट तो आपका एक्स्ट्रा बन गया, तो जो उसका प्रॉफिट होगा वो तो प्योर प्रॉफिट होगा आपका, है ना। तो आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं बाय डूइंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड दैट इज व्हाई मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट। दोनों चीजें इसीलिए साथ में बोली जा रही हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है प्राइसिंग डिसीजन। ठीक है, तो प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए, किस प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, किस प्राइस पे लोग यू नो अट्रैक्टेड होंगे उस प्रोडक्ट को लेकर के, ये जो डिसीजन है ये आपको लेना है। लेकिन ये आप किस बेसिस पे लेंगे, जस्ट बिकॉज आपका खर्च 200 रुपए हुआ है तो आपने उसका दाम जो है 225 या 250 रुपए रख दिया, क्या ये करना सही रहेगा, या उस अगर कोई प्रीमियम नो प्रोडक्ट है तो उसका प्राइस आपने ज्यादा रख दिया, तो आपको क्या करना है, ये डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है आपका मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, तो जैसे कि प्रीमियम सर, प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसकी कीमत बनाने की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन जस्ट बिकॉज उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा है तो हम लोग उसको बहुत महंगे दाम पे खरीदते हैं। आप एप्पल के फोन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतना ज्यादा है नहीं जितना प्रीमियम प्राइस पे करके हम उस फोन को खरीदते हैं। ठीक है ना, तो ये इसमें इकोनॉमिक्स है, इसमें भी इकोनॉमिक्स एक तरीके का है यहाँ पे। तो प्राइसिंग डिसीजन जो है आपको लेना होगा आपने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को करके, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है इकोनॉमिक्स को उसको यूज करके। जैसे कि यहाँ पे देखो बोला गया है, यहाँ पे मार्केट कंडीशंस की बात की जा रही है। ठीक है ना, जैसे पूजा के टाइम पे देखना, ऑफर ऑफर दे दे करके वो लोग, मार्केट कंडीशन उनको पता है कि लोग कुछ ना कुछ ऑनलाइन खरीदेंगे उस टाइम पे, जो खरीदना है वो बहुत ज्यादा होता है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, तो उनको पता है। तो उस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरियस करके ऑफर्स पता लेकर के है आते हैं ताकि अपने प्रोडक्ट को वो लोग ठीक तरीके से सेल कर सके। प्राइस उन लोगों ने डिसीजन ले ज्यादा लिया है कि उनको जो है इतना प्राइस लेना है। अब उसको फिर उसका प्राइस तो हालांकि बहुत ज्यादा रहता है फोन का, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि चलो 80,000 का फोन है, मुझे 60,000 में बेचना है। वो क्या करेंगे, वहां पे सेल एक्सचेंज ऑफर लेकर के चले आएंगे, बैंक ऑफर लेकर के चले आएंगे और रिड्यूस करके आपको 60,000 में ही मिलेगा वो। लेकिन वो लोग शो ऐसे होगा सकते जैसे कि वो लोग, उन लोगों ने बहुत ज्यादा प्राइसेस जो है उसके रिड्यूस कर दिए, क्योंकि डिस्काउंट उनका लॉस किया तो होने होने वाला है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो जो है उनका बहुत ही कम है।
तो लॉस तो उनका कभी यस नहीं होगा, तो प्राइसिंग डिसीजन में जो है ये काफी काम आता है। नाउ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स असिस्ट इन सेटिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन फैक्टर सच एज कॉस्ट, मार्केट कंडीशन, कंपटीशन, कस्टमर डिमांड, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है ना। कंपटीशन की बात करें तो एप्पल के कंपटीशन में कोई नहीं है, जो ब्रांड वैल्यू एप्पल ने क्रिएट किया है उसके कंपटीशन में अभी के टाइम पे कोई नहीं है। सैमसंग थोड़ा नो बहुत सर है लेकिन फिर भी एप्पल की एक अलग ब्रांड वैल्यू है, और इसलिए नहीं कि वो प्रोडक्ट बहुत यस अच्छे बना रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन स्टिल बहुत ही प्राइस जो है बहुत ज्यादा ओवर रेटेड फोन है। इतना मतलब नहीं है कि उसके लिए मतलब हेल्थ लोग 1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्च करें, है। ब्रांड वैल्यू हैज बीन इंक्लूडेड सर इन दिस। हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी एक ब्रांड वैल्यू बन चुकी है, उसके कारण से वो लोग उस चीज को जो है अभी तक बुना बुना के अपना चला रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट कंडीशन हो गया, कंपटीशन हो गया, अब कोई कंपटीशन में एप्पल के है ही नहीं तो वो लोग अपना प्राइस कुछ भी रख लें, उनका तो फोन बिकना ही है, वही बात है। कस्टमर डिमांड हो गया, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू एंड मार्केट शेयर, ठीक है ना। तो ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि आपका जो प्राइसिंग है वो कितना होना चाहिए, आपको कैसा स्ट्रेटजी जो है आपको अपनाना है। आपने सुना होगा कि पहले के टाइम पे ओप्पो वीवो तो था ही नहीं, तो वो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मतलब कई साल हो गए हैं, 3 4 5 साल तो हो ही गए हैं तकरीबन, दो लेकिन फिर भी वो लोग उन हजार लोगों दस ने ग्यारह सैमसंग, साइड जी, ओप्पो वीवो वही 10 11 से आया रहेगा ना सर। हाँ, खैर, तो इन लोगों ने क्या किया कि जब ये लोग आए तो पूरे पूरी तरह से सैमसंग का मार्केट था उसको पूरा डिसरप्ट कर दिया। पहले तो नोकिया था, नोकिया के बंद होने के बाद सैमसंग ने उसका जगह लिया, और बाद में जब ये लोग आए तो इस तरीके से इन लोगों का मार्केटिंग था, इस तरीके से इन लोगों का स्ट्रेटेजी था, प्राइसिंग पॉइंट इन लोगों का इतना अच्छा था, सैमसंग के मुकाबले ये लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स कम दाम में बेच रहे थे, तो उसके मार्केट को एक तरीके से उन लोगों ने बर्बाद कर दिया, डिसरप्ट कर दिया। तो ये जो प्राइसिंग डिसीजन वगैरह है ये लोग ये इसी बेसिस पे लेते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाइना का तो बहुत कम है ही, सारे के सारे तो चाइनीज फोन है, डिफरेंट डिफरेंट, हालांकि प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं लेकिन सभी के सभी चाइनीज कंपनीज ही हैं जो लोग इसको तैयार करते हैं। तो ये है प्राइसिंग डिसीजन में ये सारी चीजें आ जाएंगी। नाउ मार्केट स्ट्रक्चर एंड कॉम्पिटिशन, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। तो ये आपने पढ़ा होगा, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे बायर होंगे और बहुत सारे सेलर होंगे, आपके पास मतलब बहुत ऑप्शन सारे रहेगा कि आपको अगर कोई चीज महंगा लग रहा है तो आप किसी और दुकान पे जाके खरीद लीजिए, ठीक है ना, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली में क्या है कि कोई एक ही कंपनी है जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच रही है और किसी के पास नहीं है, तो मोनोपोली अगर किसी चीज का होगा तो वो अपने दाम को अपने हिसाब से रखेंगे, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए, है ना, वो हो गया। ओलिगोपोली में थोड़ा सा स्लाइटली भूल गया हूँ, बट यहाँ पे क्या होगा ना कि एक बायर होगा और सेलर बहुत ज्यादा होगा, एज फार एज आई रिमेम्बर, आई थिंक ऐसा होता है कि बायर एक ही होता है, सेलर बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो किंग होता है, वो किसी के पास से भी ले ले, जहां पे भी उसको सस्ता पड़े वो वहां से ले ले, है ना। तो बराबर ये जो इस तरह का मार्केट जो स्ट्रक्चर है ये हेल्प करता है समझने में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बिजनेस को, ठीक है, और इसी के बेसिस पे जो है वो लोग अपना बिजनेस डिसीजन लेते हैं। देखो यहाँ पे बोला भी है एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस डिसीजन, अगर वो लोग कुछ डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट्स, तो अगर उनका जो मार्केट है वो अगर इस तरीके का है, इन तीन तरीके का है, तो उसका असर जो है बिजनेस डिसीजन के ऊपर किस तरीके से पड़ेगा, ये उनको एनालाइज करने में हेल्प करता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजीज, मार्केट बिहेवियर एंड मार्केट डायनामिक्स टू मेक इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजंस, है ना। तो ये एक तरीके से हेल्प करता है आपको कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजीज बनाने में, आपका मार्केट बिहेवियर को समझने में, जो मार्केट की डायनामिक्स हैं किस तरीके से चेंज हो रही हैं, गत्यात्मक चीजें होती है मार्केटिंग, हमेशा डिमांड सप्लाई जो है वो घटते बढ़ते रहता है, तो उसको समझने में चीजें जो है काफी हेल्प करती है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिफ्थ नंबर पॉइंट है रिस्क एनालिसिस एंड अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो आपका जो रिस्क है, आप जब भी कोई बिजनेस करते हैं उसके साथ रिस्क जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट पहले बना दिया, बेचना आपको बाद में है, तो रिस्क तो हमेशा रहेगा बिजनेस में, ठीक है ना। तो रिस्क को एनालाइज करना कि कितना रिस्क है, मुझे क्या इतने प्रोडक्ट बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, अगर मैं बनाता हूं तो मेरा मार्केट का कौन सा होगा, कहाँ मैं उसको सेल करूंगा, तो अपने रिस्क को एनालाइज करना, और अपने अनसर्टेनिटी मतलब कोई चीज अगर आप कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो काम हो ही जाए, हो सकता है ना हो पाए, तो अपने अनसर्टेनिटीज को समझना, अपने रिस्क को समझना ये बहुत जरूरी है, और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इस चीज में आपकी हेल्प करता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन असेसिंग एंड मैनेजिंग रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस डिसीजन, है ना, वही बात बोली गई है, एक लाइन में वही बात बोली गई है। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग अनसर्टेन मार्केट कंडीशन, ये हेल्प करता है आपको अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस को यू नो एनालाइज करने में,
इवैल्यूएट करने में कि अगर आप रिस्क लेते हैं तो क्या आपको जो है उसका आउटकम मिल सकता है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, या कितना हद तक आप उस चीज को आप झेल पाएंगे, है ना। एंड मेकिंग डिसीजंस अंडर कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। अब जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं वो अनसर्टेनिटी वाले कंडीशन में ही लेने हैं, क्योंकि अगर आप सर्टेन हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन बिजनेस का मतलब ये है कि चीजें जो है अनसर्टेन होंगी, हमेशा ही अनसर्टेन होती हैं, बिल्कुल कभी चलती हैं कभी नहीं चलती हैं। तो उस चीज में डिसीजन लेने में जो है आपको हेल्प करता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप अपने रिस्क को और अपनी अनसर्टेनिटीज को आप एनालाइज कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, बिल्कुल या सिक्स नंबर पॉइंट है कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैपिटल बजटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है, बिजनेस के चलते चलते भी आपको कई बार होता है कि बिजनेस में पैसे आपको लगाने पड़ते हैं, तो वो भी एक तरीके का आपका कैपिटल है। हो सकता है कि आपको हर साल पैसे लगाने पड़े कुछ ना कुछ, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं यू विल हैव टू इन्वेस्ट सम कैपिटल इफ यू वांट टू ग्रो इट एंड मेक इट बिग। तो उस चीज में लेकिन आपको कैपिटल बजटिंग की आवश्यकता पड़ती है कि किस कहाँ पे आपको जो है कितना पैसा लगाना है। आपको आप उसका एक बजट तैयार कर लेते हो कि अगर इस साल किसी प्रोडक्ट को बनाने में मुझे इतने पैसे लगे हैं, नेक्स्ट ईयर अगर उसकी डिमांड, अगर आप देख रहे हो कि हर साल जो उसकी डिमांड 10% 20% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो आपको ज्यादा प्रोडक्ट को बनाना होगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कैपिटल का आवश्यकता पड़ेगा। हाँ किशन कुछ कह रहे हैं। नो सर, नो सर। हाँ, तो उस चीज के लिए आपको जो है बजटिंग करना होगा। बजटिंग का मतलब क्या है कि आप अपना हिसाब कर लो कि एस्टीमेट, आपको अपना एक एस्टीमेट वैल्यू बनाना पड़ता है कि इतना खर्च जो है आपको नेक्स्ट ईयर हो सकता है, तो आपको उतना कैपिटल जो है अपने पास रेडी करना पड़ेगा। बजटिंग इज जस्ट लाइक दैट कि आपको पता है कितना खर्च होने वाला है और उस चीज के लिए आपने उतने पैसे जो है अलग करके रख दिए हैं, दैट इज कॉल्ड बजटिंग। बजट कैन बी मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली टूट सर ना। हाँ वो भी हो सकता है, अगर आपका बिजनेस आप 3 3 महीने करके ग्रो कर रहे हो। देखो एक तो होता है लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में आप सोचते हो कि कितना जो है आपको ये करना है, तो उसमें आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से करते हो, और अगर आपको 3 3 6 महीने के हिसाब से बजटिंग करनी है मतलब पैसे लगाने हैं, तो वो भी पॉसिबल है। आपने इंडिया का बजट सुना होगा, जब हमारा फिस्कल बजट आता है फरवरी के महीने में तो हम लोग वही बात करते हैं, जो हमारा जो जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी वो वही बात बोलती है कि हमारे पास इतने पैसे आए हैं और हमारा एक एस्टिमेटेड वैल्यू है कि हम एजुकेशन के ऊपर इतना खर्चा करेंगे, आईटी सेक्टर में इतना खर्चा करेंगे, डिफेंस में इतना खर्चा करेंगे। ये सारा जो है एस्टिमेशन होता है, वैल्यू जो है ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है, मोस्टली ज्यादा ही होता है, बट हम लोग एक बजट बना लेते हैं कि हमारा 100% में से 15% हम एजुकेशन में देंगे, 40% हम डिफेंस में देंगे, 20% हम कहीं और देंगे, इस तरीके से वो चीजें जो है होती हैं। तो कैपिटल बजटिंग करने में आपका जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एज वेल। आप जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, जो पैसे आपके पास एक्स्ट्रा है जो आपने बिजनेस में लगाए नहीं है, वो आपके पास रख के तो कोई फायदा नहीं है, बैंक में तो कोई इंटरेस्ट आपको मिलेगा नहीं, और बिजनेस में तो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में और कुछ नहीं मिलता, खाली कुछ नहीं। तो उस केस में आप क्या करते हो, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हो, किसी को लोन दे देते हो, या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो, या शेयर जो मार्केट में डाल कमर्शियल देते पेपर हैं। होता है, बॉन्ड्स वगैरह होता है, आप वो ले लेते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको एनालाइज करने में भी जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। ठीक है, देखते हैं फिर। इट यस इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, आपके पास कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, असेसिंग द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स, जो आप प्रोजेक्ट्स चला रहे हो, जो बिजनेस के अंडर में आपकी प्रोजेक्ट्स चल रही हैं उनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी कितनी है, मतलब उनको क्या पैसों की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट से पैसे आते हैं वही पैसे जो है वापस से उस प्रोजेक्ट में लगाए जा सकते हैं। तो किस तरीके का वो फाइनेंशियली वो प्रोजेक्ट किस तरीके का चल रहा है, क्या उसमें अलग से कुछ लगाने की जरूरत है या नहीं है, वो चीज जो है करने में कैपिटल बजटिंग आपका हेल्प करता है, एंड डेफिनेटली पार्ट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का है तो वो तो करेगा ही। एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन द फैक्टर्स सच एज कैश फ्लो, है ना, आपका कैश फ्लो कितना है उसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे, इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन होगा कि कहाँ पे कितने पैसे आपको लगाने हैं, किस प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगाने हैं, रिस्क एंड रिटर्न, ये वो फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। अगर आपको पता है कि किसी बराबर प्रोजेक्ट में आप पैसे लगा रहे हैं और उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली आप उसमें ज्यादा पैसे नहीं लगाना चाहेंगे, जहां पे आपको पता रहेगा कि यहाँ पे रिटर्न मुझे ज्यादा मिलेगा आप पैसे वहीं पे लगाएंगे, मोस्टली लोग वैसा ही करते हैं। तो वो चीज जो है यहाँ पे मैटर करता है, वो चीज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करता है आपको समझने में। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्रोवाइड टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपको टूल्स एंड टेक्निक्स प्रोवाइड करता है जिसके जरिए आप इन्वेस्टमेंट को एनालाइज कर सकते हैं और कैपिटल बजटिंग आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाना है, कब लगाना है, 3 3 महीने में लगाना है या एक ही साल में स्टार्टिंग में ही पैसे एलोकेट कर देने हैं कि भाई लो तुम अपना प्रोजेक्ट चलाओ, और हर प्रोजेक्ट का अपना एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है,
बिजनेस के अंडर की बात कर रहा हूँ, तो उस तरीके से हो गया, ठीक है ना। जस्ट सातवां लाइक पॉइंट शेयर है, मार्केट पर, जी, मैं बोला जस्ट लाइक शेयर मार्केट में सेम सेम रहता है सर। हाँ वहां पे भी फंड मैनेजर होता है म्यूचुअल फंड्स को मैनेज हाँ करने के लिए, यस तो वो है यस गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशंस। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कंसिडर्स द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज रेगुलेशंस एंड लीगल फ्रेमवर्क्स ऑन बिजनेस डिसीजन, है ना। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक तरीके से कंसिडर करता है, कंसिडर एज इन वो यू नो एनालाइज करने की कोशिश करता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो उसके रेगुलेशंस हैं, जो उसके फ्रेमवर्क्स हैं, फ्रेमवर्क्स मतलब वही जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गया, लीगल फ्रेमवर्क्स हो गया, उसका आपके बिजनेस के ऊपर क्या असर है, क्या इम्पैक्ट जो है पड़ेगा अगर गवर्नमेंट इस तरह की रेगुलेशंस लेकर के आती है, या जो भी एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस हैं, जो भी रूल्स हैं, उसका आपके बिजनेस के ऊपर क्या असर है, या इन फ्यूचर में क्या पोटेंशियल उसका असर पड़ सकता है, वो मैनेजर इकोनॉमिक्स आपको पता करने में हेल्प करता है। एंड ये हो गया, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीकेशंस ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस एंड फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज टू कॉम्प्लाई विद रेगुलेशंस एंड टेक एडवांटेज ऑफ पॉलिसी चेंज, है ना। तो ये हेल्प करता है आपको उन इम्प्लीकेशंस को समझने में, जब गवर्नमेंट किसी एक्शन को, कि कोई रूल अगर बनाती है, कोई लॉ अगर लेकर के आती है, तो उसका असर जो है आपके बिजनेस के ऊपर क्या पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का यूज करना पड़ेगा। तो ये उस चीज में आपका हेल्प करेगा। साथ ही साथ अगर आप उस चीज को समझ जाएंगे, तो डेफिनेटली आप उसके अकॉर्डिंग फिर आप डिसीजन वगैरह भी लेंगे, आप उसको कॉम्प्लाई करने की कोशिश करेंगे, राइट। वो हो गया। और जब भी कोई पॉलिसी में बदलाव होता है, तो हमेशा उस चीज का दो पॉइंट होता है, या तो सही होगा या तो गलत होगा। तो जब भी सही होगा, जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, उसको एक तरीके से लोग भुनाने की कोशिश करते हैं बिजनेस में, उसको यू नो कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। जो भी पॉजिटिव पॉलिसी चेंजेस होती हैं, जो भी पॉलिसी चेंजेस होती हैं, उसके एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू विल यूज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स, यू नो जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जब उसका आप इस्तेमाल करेंगे, तो ही आप यू नो एडवांटेज ले पाएंगे सकते किसी हैं। भी पॉलिसी में, जो भी बदलाव हो रही है उसका। तो ये उस चीज में हेल्प करता है। इसको कंक्लूड यस करता हूँ मैं। ओवरऑल मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ओके सर प्रोवाइड मैनेजर्स विद अ सिस्टमैटिक एंड एनालिटिकल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस। ओवरऑल अगर बोला जाए तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बहुत हेल्प करता है मैनेजर्स की, कि वो जो है सिस्टमैटिक वे में और एनालिटिकल अप्रोच रख करके बिजनेस के डिसीजंस को ठीक तरीके से ले पाए। इट इक्विप्स देम, यस वो उनको इक्विप करता है, उनको प्रोवाइड करता है टूल्स एंड टेक्निक्स जिसके जरिए वो एनालाइज कर यस सकते हैं मार्केट कंडीशंस को, जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उसको वो लोग इवेल्युएट कर सकते हैं, एंड मेक इन्फॉर्म चॉइसेस, ऐसे चॉइसेस के बारे में उनके पास जानकारी है, जिसके बारे में हमारे पास जानकारी होती है, वहां पे ना लॉस होने का या गलत आउटकम निकलने का चांसेस कम होता है। रिस्क हमारा तभी होता है जब हमारे पास किसी चीज की जानकारी नहीं होती है। तो जब आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करेंगे, आई मीन जब इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको जो है बहुत ही इन्फॉर्म्ड आप रहोगे, आपको बहुत कुछ की जानकारी होगी, और उसके बेसिस पे आप जो चॉइसेस लेंगे, जो भी आप डिसीजंस लेंगे, वो इन्फॉर्म्ड रहेगा, वो मतलब गलत नहीं होगा, मोस्टली वो सही रहेगा। दैट इनहेंस ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेटिवनेस। और अगर आपको जानकारी होगी, आप डिसीजन लोगे, तो जो भी आपका परफॉर्मेंस होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का, वो बेहतर ही होगा, और कॉम्पिटेटिवनेस आप अपना बरकरार रख पाओगे अपने बिजनेस का, राइट। तो दिस वेयर द टॉपिक, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, डायरेक्ट पीडीएफ तो इसका नहीं है, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। यस एनी ओके क्वेश्चन सर रिगार्डिंग दिस टॉपिक? नो सर आकांक्षा? नो सर नो सर नो सर ओके देन। सो अगला क्लास का डेट वगैरह मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। तब तक जो मैंने शेयर किए हैं पीडीएफ वगैरह और इस लिंक को भी, आप इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एंड अगर मौका यस मिले, विल टाइम डू मिले, देन थोड़ा सर। और क्वेश्चंस भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट से। एक्सक्यूज मी सर, सर जैसे हम लोग रिवाइज करके जो भी मतलब जैसे सर आप भी तो आपने पढ़ा दिया, ठीक है, उसके बाद हम लोग मतलब कि रिवाइज करने के बाद जो भी डाउट्स होगा तो वो क्लियर कर सकते हैं ना, मतलब बिल्कुल प्रीवियस बिल्कुल, टॉपिक क्यों नहीं। पे। हाँ, व्हाट्सएप पे ओके आप सर, पूछिएगा। वी विल कीप अवर सेशन फॉर दैट सॉरी, एंड वी विल मैं बोल रहा था सर, एक हम लोग सेशन रखेंगे और उस सेशन में हम लोग जो भी पिछले पिछले जो पिछला में जो हम लोग पढ़े हैं उसको क्लियर करेंगे एक सेशन रख के, अगर हाँ किसी डेफिनेटली तरह का डाउट डेफिनेटली हो हो सकता है, तो। यस जी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा सर व्हाट्सएप पे बताने का, कह के ही, लिख के तो समझ में नहीं आएगा, मैं बोल के ही समझाने की कोशिश करूंगा। बट अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता, तो फिर हम लोग उसके लिए प्रॉपर एक यू नो इस तरीके का सेशन रख लेंगे, जहाँ पे क्लियर कट हो जाएगा सारा चीज, जो है समझ में आ जाएगा, जी बिल्कुल सर ओके सर, ठीक है। ठीक ओके देन, है सर, थैंक यू, ठीक है ठीक फिर, है सर, या थैंक यू सर, गुड नाइट गुड नाइट, गुड नाइट सर, थैंक थैंक यू। यू।